हाय, सो इट्स बीन सम टाइम जब हम लोग ऐसे वन ऑन वन मतलब फेस टू फेस कनेक्ट किए. सोचा कि आज कैमरा उठाती हूँ, थोड़ा व्लॉग करते हैं. आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर. मेरे को अभी कोविड हो गया था, सो आई वॉजेंट फीलिंग वेरी ग्रेट. को पता चला ये लास्ट वीक. थैंकफुली कल टेस्ट कराया मैंने, विच वॉज़ अ सैटरडे, तो मिराकुलसली मैं एक हफ्ते में ठीक हो गई हूँ. आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ सिम्टम्स, थोड़ा ऐसे ही हल्का फुल्का था, बट मतलब इट वॉज़ माइल्ड कोविड, नॉट वेरी सिवियर. आई फील वेरी वीक, जैसे मेरे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है. अगर हम जिस मैं जिस कमरे में क्वारंटीन थी, अगर उसमें झाड़ू लगा लो या बस बिस्तर से उठ ही जाओ, तो हार्ट रेट एकदम 130-140 पहुंच जाता था, जैसे ट्रेडमिल में दौड़ कर जैसे हो जाता है. आई वॉज कोविड पॉजिटिव, ताशी गॉट कोविड पॉजिटिव. आई एम थिंकिंग कि ताशी को भी मेरे साथ ठीक हो गई होगी, तो आज उसका कोविड टेस्ट कराया है. माई मम इन लॉ ऑल्सो गॉट कोविड. उनका अभी भी थोड़ा बुखार और लंग्स में स्वेलिंग और इन्फेक्शन वगैरह है, तो अभी आशु उनको लेके जा रहा है स्कैन कराने के लिए. तो अब जैसे मैंने इतनी बात कर ली, तो अब मेरे को जैसे पैंटिंग हो रही है. हाँ, सर्विस लिफ्ट से जाना है. मम्मा की उधर काली चप्पल रहती है. What are you doing? I'm taking Kitty shampoo bath. Okay. He's also having fun with the bubble bath and my shampoo bath. তাহলে করো, ভালো করে শ্যাম্পু করো কিটি কে. Okay. Who is the kitty keeper in the tub, Tashi? Okay, I'll keep her in the tub. This is on her tub. तो मम्मा यहाँ सोती थी और मैं और ताशी इस बेड पे सोते थे. मम्मा को थोड़ा ठंड लगता है, तो इसलिए वो कॉर्नर में सोती थी. तो मेरे को थोड़े कपड़े धोने, ये सब जो पड़े हुए हैं धुलने के लिए, तो मैंने सोचा आज मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक हाथ से कपड़े धो रही थी. हमारा कुछ भी सामान जो है बाहर नहीं आ रहा था, बट ये प्री कोविड क्लोथ्स हैं जो मैंने अभी तक धोए नहीं है. अब मैं सोच रही हूँ, टाइम हो गया है 1:15, तो चावल चढ़ा देती हूँ और थोड़ी सी दाल कर दूँगी, क्योंकि कल की दाल जो है बहुत ज़्यादा बची नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि हम सबका हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी दाल कर दूँगी. जो बॉइल्ड दाल दाल शेदो जो होता है वो ताशी खा लेती है, बाकी का दाल मम्मा पापा और हम लोग खा लेंगे, तो वो और चावल करती हूँ. चलो. सो वन थिंग आई वॉन्ट टू शो इज़ कि ये जो हमारा आर ओ है ना, उसका पानी इसमें जाता है. सो आई एम एबल टू यूज़ दैट फॉर मल्टीपल थिंग्स, लाइक पोछे में यूज़ हो जाता है और कपड़े धोने में यूज़ हो जाता है, और जैसे कुछ बर्तन धोने में भी यूज़ हो जाता है. एंड इस पर मैंने चावल चढ़ा दिया है. हम चावल को ड्रेन करके बनाते हैं, इसलिए प्रेशर कुक नहीं कर रहे हैं. बस अभी मैं मूंग दाल को दाल शेदो कर रही हूँ ताशी के लिए, उसको वो बहुत पसंद है. अब ये मैंने बर्तन धो के रखे थे सुबह में पोस्ट ब्रेकफास्ट, तो अब इसको निपटाते हैं, लगा देते हैं जगह पे. हेलो किटी, हेलो. आज ताशी ने इस किटी को शैम्पू कराया है, एंड वैसे भी कल
मैंने कोई कराने दिया क्योंकि कल जो है ताशी बाहर आ जाएगी तो शी विल आस्क फॉर हर किटी. तो अब ये किटी को मैंने शी ओनली गेव हर अ बाथ. आई जस्ट वॉश्ड हर विद वाटर. एक बार ये ड्राई करती है मशीन में जिससे कि कल जब ताशी बाहर आएगी तो शी विल हैव हर टॉय टू प्ले विद. और इधर इफ यू सी दो डब्बे में दाल पड़ी हुई है. एक परसों की है और एक कल की है. तो मैं क्या कर रही हूँ ना, माय राइस इज ऑलमोस्ट कुक्ड. बस इसको स्ट्रेन करूँगी. मैं थोड़ा सा घी डाल के इन दोनों को एक बार फिर से तड़का दे दूँगी जिससे कि वो वापस ज़िंदा हो जाएंगी ये दालें. अब हम जा रहे हैं कपड़ा फैलाने. ये किसके कपड़े हैं? मम्मा के कपड़े थे दो दिन. हाँ, आज देर हो गया था ना. मम्मा के कपड़े बाहर नहीं लाने चाहिए. ये क्या बोलते हैं, 1 घंटा मशीन में धुला है तो सब जर्म्स ऐसे ही साफ हो गया होगा. 20 सेकंड्स में वायरस मर जाता है. प्लस आई क्लीन्ड इट इन हॉट वाटर माय एंड मम्मास क्लोथ्स. हाय, सो टाइम हो गया है 3:15ish. नहाना हो गया है मेरा, कपड़े ख़त्म हो गए, लंच वंच हो गया सबका. और आशु हेल्प मी ड्राइंग ऑफ द क्लोथ्स. मेरी तो सांस फूलने लग गई थी. अब बस थोड़ा आराम करेंगे. और मेरी शक्ल देखो क्या हो रही है. सो आई वॉज थिंकिंग कि आज संडे है, थोड़ा सेल्फ केयर करूँगी. बट लेट्स सी कितना हो पाता है नहीं हो पाता है. बिकॉज सेल्फ केयर करने से ना इमिजिएटली यू फील गुड एंड पॉजिटिव. एटलीस्ट दैट हैपन्स विद मी. एंड इफ नॉट दैट देन थोड़ा आज एक वीडियो शूट करूँगी फिर मैं. गेट रेडी फॉर दिवाली और समथिंग लाइक दैट. तो वैसा सीन है, देखते हैं कितनी एनर्जी है मोरे में मुझ में. तो उसके हिसाब से ये जो दो कबर्ड्स दैट यू सी, ये हम बहुत टाइम से सोच रहे हैं ठीक करने का. तो आई थिंक हर एक दिन एक एक शेल्फ करके थोड़ा थोड़ा करके करूँगी तो शायद हो भी जाएगा. ऑफ कोर्स आशु की हेल्प लेनी पड़ेगी. बहुत ज़्यादा डिटेल में सफाई करने के कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज हम लोग को ये घर छोड़ना है इन नेक्स्ट 1 month. तो जैसे हम लोग दिवाली पे स्पेशली हर कबर्ड किचन के, जैसे हर कबर्ड कमरों के ड्रॉर्स एंड वार्डरोब का न्यूज़पेपर बदल के सब कुछ, जैसे ऐसा डिटेल वाली जो सफाई जो एनुअल अफेयर होता है वो इतना करने की ज़रूरत नहीं है. पर्दे वर्दे धुलते हैं, पंखा तो खैर चलो मंथली एक्टिविटी है. मेरे को बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, कल से मेरा ऑफिस भी स्टार्ट हो रहा है. मैं तो बात करने करने में मेरी सांस फूल जा रही है. कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा कुछ कर दें जिससे कि थोड़ा ठीक ठाक लगे. हमारे कोलकाता से आए हुए सामान हमने वहाँ घुसा के रख दिए. ये सब बॉक्सेस में हमारे कुछ कुछ सामान पड़ा हुआ है. इधर देखो हमारा, ऑल दो ये सूटकेस खाली है पर इसको ऊपर चढ़ाना है हमको यहाँ पे. तो इन दो बॉक्सेस में हमारे और दो नए सूटकेस आए हुए हैं. कबर्ड का हाल दिखाती हूँ. ये देखो कैसे मैंने पूरा सब जो है ऐसे ही बस ठूस दिया है. मतलब आई एम नॉट एट ऑल लाइक दिस. मतलब आपको देख के लग रहा होगा कि अरे ठीक से तो रखा है, बट दिस इज नॉट, दिस इज लाइक दिस सपोज टू बी ताशीज न्यू क्लोथ्स वाला सेक्शन वो सब, बट मैंने ऐसे ही सब ठूस दिया है अभी यहाँ पे. यहाँ पे ताशी का भी मिक्स है, मेरे इंडियन भी मिक्स है, जो भी सब ऐसे ही मिक्स एंड मैच पड़ा हुआ है सब. तो ये तो हाल है इस कबर्ड की जो मेरे को ठीक करनी है. और ये भी कोई खास नहीं है. मतलब दिस इज बेसिकली ताशीज. ऊपर तो फिर भी थोड़ा ठीक है, थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा ठीक से करना है, यहाँ पे थोड़ा ठीक से रखना है, नीचे में देखो कैसे खचड़ पचड़ सब मचा हुआ है. सो इनको जो है थोड़ा ठीक करूँगी अगर हो पाया तो. स्कूल एंड ऑफिस एंड घर का सारा काम, बिकॉज मम्मा इज स्टिल इन साइड क्वारंटीनिंग तो हमारे पास कोई हेल्प नहीं है टू असिस्ट मी. एंड इसी बीच में 2 नवंबर ताशी का बर्थडे है, फिर 4 नवंबर दिवाली के दिन ही आशु का बर्थडे है. तो आई हैव नो आइडिया कि क्या हो पाएगा, कितना मैं कर पाऊँगी, बट लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड. आशु आ गया. हाँ, अब हम लोग थोड़ा आराम करेंगे ना आशु. पता है ताशी ने कैसे उठाया हमको? अभी मैं तो खैर उठी हुई थी. नहीं नहीं, यहाँ नहीं आई वो, वो कमरे से बाहर नहीं आई है. डिलीजेंटली वो फॉलो कर रही है, बट आवाज़ दे रही है. मैं फ़ोन पे देख रही थी. हाँ मम्मा,
मम्मा मम्मा ये सब बोल रहे हैं, तो हमको लगा क्या हो गया, कहीं मम्मा को तो नहीं कुछ हुआ, ये सब मैंने सोचा। तो मैं बाहर आई तो देखा दरवाजा खोल के ऐसे आवाज दे रही है, फिर ऐसे एकदम से देखो ड्रामा, आई एम सो सैड विदाउट यू, आई थॉट यू वुड कम एंड दिस एंड दैट, ठीक है। तो फिर मैं गई तो पता चला दिन भर मैडम ने टीवी देखा है, क्योंकि ऑफकोर्स अब मैं हूँ नहीं तो वो क्या ही करे कि। तो जब मम्मा ने बोला होगा कि अब तुमने दिन भर टीवी देखा है बंद करो, तो उसको मम्मा याद आई है फिर ऐसा, मम्मा आई एम फील आई वाज सो सैड विदाउट यू, आई डिडंट नो वेयर यू वर, ऐसे। ताशी हाउ डू यू फील कमिंग आउटसाइड द रूम नाउ दैट यू हैव नो कोविड? It feels to be nice. Okay. We are going for nai nai. Oh, I want to take a shower. You want to take a shower? I'm sure that shower is also for kids who are like me and Anu. Acha, thik ache, dekho. First open your clothes. Ami aschi, all right? Ami gamcha ni aschi, towel. Jol ka. Jol ka. Jol khabe, anchi. Ami jol ka. Okay, anchi. Ami means me in bed morning. Yes. चाय चढ़ा दी है एंड मैं अभी जो दोपहर के जो धुले बर्तन हैं ये सब मैं हटा के रख रही हूँ, और फिर देखेंगे शायद आशु चिकन बनाएगा रात में, तो मेरे को बस रोटी बनाने का काम है और आटा गूंदूंगी, तो आज का तो बस इतना काम है। अगर मैं थोड़ा और सो के थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं शूट कर सकूँ, बट लेट्स सी कर पाती हूँ कि नहीं, देखते हैं। और आज मैच भी है 7:30 बजे से इंडिया न्यूजीलैंड का, सो लेट्स सी हाउ दैट गोज। वो देखो ताशी और पापा का मिलन। When you were doing booties. Did you miss Papa? Yes. But now you won't get to watch TV. What will you do? देखो ताशी के बाल पहले। Still have Mama's mobile. No, you can play with your toys now. How am I going to play without my headset? जल्दी खाओ जल्दी, ओके गुड गर्ल। What is that? Everything is happening between Tashi and Papa. What about Mama? She said, oh, बोलचे, she wants a picture frame with Tashi and Papa. And she wants a signboard with Tashi and Papa. Could you put a signboard saying Tashi, Papa and Mama? Yes, I said. This is Tanu, Ashu and Tashi's house. Okay, but you can actually call me Tashi. I will not call you Ashu. I will not call you. That I understand, my phone too. But that is all for, what do you want for yourself? Just remote control car, that is it. Ask for small things, no big thing, okay? And she wants slime. You want slime? You want to play with slime? कितना miss किया है ये सब कि बैठ के ये सब करें। आशु तो ताशी के साथ चिपक गया एकदम। And vice versa. Surprise! Oh my God, Tashi! कितने सुंदर लग रहे हो, कितने क्यूट लग रहे हो, ये हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है ताशी बाहर आके? एटा की व्हाई डिड पापा गिव यू दिस? बीइंग ब्रेव एंड फाइटिंग कोरोना, राइट? Yes, with the COVID test. That's why he can eat it. Okay, enjoy. मैं बना रही हूँ पालक का सूप
और आशु बना रहा है ये रेडी टू कुक चिकन। गार्लिक डाला, कद्दूकस करके टोमेटो डाला, नमक हल्दी डाला और थोड़ा स्पिनच डाल के अब साथ में तरह थोड़ा भून लूँगी। टोमेटो स्पिनच सूप की जो बॉइल्ड दाल है ये यूज़ करूँगी एंड स्पिनच का ये जो स्टेम्स है ना इसको मैं आटा में भून लूँगी। अभी तो एक ही पर्सन के लिए बना रही हूँ तो इतना काफ़ी है, इसमें मैं दाल डाल दूँगी अभी, क्योंकि मैं इसको एज अ सूप सर्व करने वाली हूँ ना तो आई विल लेट इट बी लिटिल वाटरी। अब ये देखो बेसिकली पालक वाला पानी जो स्टेम्स वाला है ना इसी से अब मैं आटा गूंद लूंगी। बस मैंने इसमें पेपर डाल दिया है एंड इट इज़ रेडी टू बी ईटिंग। मम्मा के लिए ये पालक सूप बन गया। इधर उधर हम लोग कुक कर रहे हैं, इधर ताशी कुक कर रही है उसके। व्हाट आर यू कुकिंग? आई एम कुकिंग राइस। राइस, ओके। Very good. And make me some juice also, okay? I will juice khabo, juice. I don't have any juice, but I'm going to make one. Take these grapes and give me amake grapes juice dao and amake je pineapple juice, okay? Match ka to kya kachra chal raha hai? Aur idhar Ashu ne hamara homecoming kamre se bahar aane ke liye momos aur सब कुछ रेडी करके रखा है। चिप्स, ताशी इज ईटिंग चिप्स लाइक ब्रूस, इज इट? नो, लाइक कोको। लाइक कोको? नो, लाइक अ कैट। लाइक योर किटी? ओके। नो, लाइक अ पोनी। लाइक अ पोनी, ओके। सो इट इज 11 PM और हमारा किचन मतलब डिनर विनर सब रैप हो गया है, पीछे बर्तन धुल चुके हैं सब, ऑल इज सेट। अब बस सोना बाकी है। सोना क्या है, आशु का प्लान है कि हम लोग एक फ्री गाय या फॉल गाय, आई थिंक फ्री गाय करके एक मूवी है, वो देखेंगे, बट उसके पहले ताशी को सुला देते हैं। बट फॉर अस इट्स अ रैप। आई विल सी यू सुपर सून विद द मेकअप वीडियो दैट आई एम थिंकिंग ऑन डूइंग। आज तो नहीं हो पाएगा, मे बी कल करेंगे आफ्टर ऑफिस। टुडे आई एम वेरी टायर्ड, मतलब एकदम से आज काफ़ी कुछ हो गया ना, काफ़ी सारे कपड़े धुले और थोड़ा घर थोड़ा गंदा हो रहा था, वो सब थोड़ा साफ अफ के, मतलब बेचारा आशु कितना ही करता ना, तो बट फॉर नाउ इट्स अ रैप। प्रे कि मम्मा जल्दी से ठीक हो जाए और आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।